अडानी ग्रुप के लिए अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद से शुरू हुआ मुश्किल भरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक कोई ना कोई मुद्दा गौतम अडानी के ऊपर काले बादल की तरह मंडरा रहा है। एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप को आड़े हाथों लिया है। एक दो नहीं, सेबी ने अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस समेत ग्रुप की 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। क्या है पूरा मामला, जो अडानी ग्रुप को सेबी ने किया है जवाब तलब, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। हिंडनबर्ग रिसर्च के अडानी ग्रुप को लेकर जारी विवादास्पद रिपोर्ट को आए साल भर से ज्यादा बीत चुके हैं। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को जांच के आदेश दिए थे। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। इसी दौरान बाजार नियामक ने भारत और एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स गौतम अडानी की 6 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सेबी ने अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों पर आरोप लगाया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के मामले में इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही इन कंपनियों पर शेयर बाजार में लिस्टिंग के नियमों का पालन नहीं करने और ऑडिटर के सर्टिफिकेट की वैधता से जुड़े आरोप भी इन पर लगाए गए हैं। कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी नियामक फाइलिंग में ये जानकारी दी है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि इस लिस्ट में किन किन कंपनियों के नाम शामिल है। इसमें अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस के नाम शामिल है। इन सभी कंपनियों पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप है। कंपनी ने मार्च तिमाही के रिजल्ट के साथ नोटिस के बारे में जानकारी दी। अडानी इंटरप्राइजेस ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही के दौरान उसे 2 कारण बताओ नोटिस मिले हैं। कंपनी ने बताया कि सेबी से उसे जो कारण बताओ नोटिस मिले हैं, वे कथित तौर पर लिस्टिंग एग्रीमेंट के सेबी के प्रावधानों व डिस्क्लोजर की जरूरतों यानी कि LODR रेगुलेशंस का अनुपालन नहीं करने के चलते मिले हैं। ग्रुप सेबी के नोटिस के बाद कानूनी विकल्प का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। बता दें, ये नोटिस हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद सेबी ने जारी किया है। वहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस जानकारी के बाद ग्रुप की कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। तो अडानी इंटरप्राइजेस ने बताया कि मार्च 2024 की तिमाही के दौरान सेबी से मिले कारण बताओ नोटिस से पिछले वित्त वर्ष के उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कोई असर नहीं हुआ है। कंपनी ने यह भी दावा किया कि उसके ऊपर लागू नियमों व कानूनों का पालन नहीं करने का कोई ठोस मामला नहीं है। वहीं इन कंपनियों की ऑडिट करने वाली संस्था ने एक क्वालिफाइड ओपिनियन जारी किया है। ऑडिटर कंपनी ने कहा है कि सेबी की जांच से कंपनियों के भविष्य के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हल्का असर पड़ सकता है। अडानी विल्मर और अडानी टोटल गैस के ऑडिटर के इस क्वालिफाइड ओपिनियन के मामले में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। अडानी इंटरप्राइजेस के ऑडिटर ने कहा है कि सेबी की जांच और इस मामले से जुड़े दस्तावेजों को देखते हुए इस समय कुछ भी कहना मुश्किल है। हम इस मामले से जुड़ी हुई सभी जानकारी को देख रहे हैं और सेबी के कारण बताओ नोटिस की वजह से कंपनियों के वित्तीय नतीजों पर पड़ने वाले असर का आकलन कर रहे हैं। बता दें, कारण बताओ नोटिस किसी कंपनी को दोषी ठहराने का मामला नहीं है। ये कंपनियों को जवाब देने के लिए भेजा जाता है, जिसमें नियामक ने ये पूछती है कि क्यों ना उनके खिलाफ मौद्रिक जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जाए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के खिलाफ पिछले साल की मार्च तिमाही में रिपोर्ट जारी की थी। 24 जनवरी 2023 को आई इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी का कहना है कि जनवरी 2023 में आई विवादास्पद रिपोर्ट के बाद उसने एक लो फॉर्म के जरिए इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराया। असेसमेंट में पता चला कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन्हें रिलेटेड पार्टीज बताया गया है, असल में उनका पेरेंट कंपनी या किसी सब्सिडरी के साथ कोई संबंध नहीं है। वहीं हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर केस के जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 सदस्य कमेटी बनाई थी, उसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी जांच के लिए कहा गया था। चलिए अब सेबी की जांच में अब तक क्या क्या हुआ है ये भी जान लेते हैं। 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई थी और सेबी को भी जांच के लिए 2 महीने का समय दिया था। सेबी को 2 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सेबी ने सुनवाई के दौरान जांच के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी। बेंच ने इसे अगस्त तक बढ़ा दिया, यानी सेबी को अपनी जांच पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 5 महीने का समय मिला। 14 अगस्त को सेबी ने अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 15 दिन का और वक्त मांगा।
25 अगस्त को सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, बताया कि 22 जांच फाइलें हो चुकी हैं और दो अधूरी हैं। 24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। जांच में पाया गया कि अडानी समूह के खिलाफ जिन कथित गड़बड़ियों के आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए हैं वे सही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को सेबी को बचे हुए दो मामलों की जांच करने के लिए 3 और महीने का समय दिया है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। बता दें, वही शुक्रवार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन खबर के बाद कंपनी के शेयरों पर मिला जुला असर देखने को मिला। अब देखना होगा कि आगे ग्रुप इस मामले से कैसे और कब तक निकल पाती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।